हम लोग 4 साल से काम करते हैं। 4 साल से आप भी मूर्ति बनाती हो? हाँ, हम नहीं बनाते। माँ की प्रतिमा को आप भी सजाती हो? हाँ। अच्छा, आप लोग तो मूर्ति बहुत अच्छी बनाती हो, इसमें तो कोई सजावट की? एक बार आप लोग दे दीजिए, सब कुछ फिर हो गया। हाँ, उसको मंडप बनाना पड़ता है, सिर्फ मंडप बनाना पड़ता है, बाकी कोई भी चीज नहीं सजाना। इससे कलर बहुत टॉप साफ बनता, कलर भी बहुत अच्छा बनता है, इससे कलर अच्छा बनता है। बिल्कुल देख सकते हैं, इस मूर्ति की बारीकी को मैं दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं कि जो मिस्त्री हैं, काफ़ी बारीकी से आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि माँ का जो जितना भी श्रृंगार है, इसमें कोई श्रृंगार प्रतार की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ से मूर्ति लेकर जाइएगा, A to Z ये श्रृंगार प्रतार कर चुके हैं। और आप देखिए कितनी खूबसूरती से, बारीकी से इन्होंने काम किया है, एक एक बारीकी को मद्देनजर रखते हुए और ये काम किए हैं। देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति, अच्छा एक बात बताइए कारीगर जी, इस मूर्ति का कीमत क्या है? ये 2500 रुपये पड़ेगा, ये 2000 का पड़ेगा। ये 2000 का? हाँ जी। ये तो बहुत सस्ता है। हाँ जी, 2000 में बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। अभी कलर उलर सब चीज़ देखना पड़ता है ना भैया, अभी छोटा छोटा काम करना पड़ता है, छोटे छोटे काम करना, सब आँख हुक सब हर चीज़ का, साड़ी उड़ी का। मूर्ति को लेकर जाए, जो भी श्रद्धालु भक्त हैं लेकर जाएंगे, तो कोई मुकुट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं है, सब हम पूरा सजा के देंगे, किसी को कुछ लाना नहीं है, कुछ नहीं, सजा हम सजा के पूरा रेडी मूर्ति देंगे आपको। मंडप आपको सजाना, खाली सिर्फ मंडप सजाना, बस मंडप सजाना आपको खाली। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं, मैं कैमरा मैन से बोलूँगा जी लगातार फोकस कीजिए। और बता दें कि सिवान जिले में ऐसा मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगा, चूँकि ये राजस्थान के कारीगरों के द्वारा, देखिए कि राजस्थान के कारीगर हैं और ये तरवारा के स्टेट बैंक के सामने हैं। और आप लोग जो भी मूर्ति इनसे लेना चाहते हैं, बहुत कम रेट में, चीप रेट में इनका मूर्ति मिलता है। यहाँ पे जो मूर्ति की बनावट है, सजावट है, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आप लोगों को चाहा कि एक सरस्वती पूजा आने वाला है, तो आप लोगों को ये दिखाने का मैंने प्रयास किया है कि मूर्ति देखिए कि कितना आकर्षक है। और ये माँ सरस्वती का साक्षात ऐसा लग रहा है कि साक्षात हम लोगों को दर्शन दे रही है। इस सांचे में ये जो कारीगर हैं बनाए, इनके काबिले तारीफ मैं करना चाहूँगा। अच्छा एक बताइए सर कि ये जो दिख रहा है श्रृंगार पटार, ये आप कैसे करते हैं? ये हम आगरा से लेकर आए, यहाँ नहीं मिलता, बिहार में नहीं मिलेगा। आगरा से ये कलर पेंट आया हुआ, सब कलर पेंट आगरा से सब आए हुए वहाँ से, आगरा से। हाँ, यहाँ पर नहीं मिलेगा ऐसा पेंट जी, ऐसा पेंट कहीं नहीं। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल आपकी जो बात है सही है। अच्छा एक बात बताइए, कितना मूर्ति अभी तक बना चुके हैं? अभी हमारे पास कम से कम 150 मूर्ति लगभग, 150 मूर्ति, 150 मूर्ति बन चुका जी। अच्छा कितना बुक है अभी तक? अभी हो गया कम से कम 60-70 मूर्ति बुक है। 60-70 मूर्ति बुक है, अभी तो बहुत समय है, अभी महीना भर है, एक महीना और लगभग है, महीने भर है, तो सभी लगभग सब मूर्ति आपका बिक जाता है? बिक जाता है, हर साल बिकता है, हम 4 साल से बना रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए, ये जो बड़ा वाला मूर्ति है, इसकी कीमत क्या है? इसका हम 10,000 बोलते हैं, तो जैसे 8,000-9,000 में बिक जाता है भैया। 10,000 बोलते हैं, 8-9,000 में? हाँ जी। ये छोटे वाला मूर्ति का 2000 है, 2000 इसका, ये 2500। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि आप देख सकते हैं कि ये हाथ में स्प्रे ले रखे हैं और इसी स्प्रे से ये पेंट करते हैं, हाथ से पेंट नहीं करते हैं, और सब मशीन द्वारा ये काम होता है। बिल्कुल देख सकते हैं, ये बड़े प्रतिमा है, माँ का प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, अभी इसमें काम बाकी है। और यहाँ के जो कारीगर हैं राजस्थान, अभी सिर्फ प्राइमर लगा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम क्या बोले? दुर्गाराम। अच्छा दुर्गाराम जी, आप सरस्वती माँ का प्रतिमा बनाते हैं? हाँ जी। दुर्गाराम जी एक बात बताइए, एक मूर्ति को बनाने में आपको कितना समय लगता है? 7-8 दिन लग जाता है हमको एक मूर्ति बनाने, मूर्ति बनाने में जी, एक मूर्ति बनाने हमको कम से कम भी तो 5-6 महीने हो गए हमको बनाते बनाते। 6 महीने? हाँ 6 महीने हो गए बनाते बनाते। अच्छा आप क्यों, जो भी आप फैमिली यहीं पे रखते हैं? सब हमारे बच्चे उच्चे सब हमारा साथ है, सब यहीं पे हैं, सब हमारा साथ है। अच्छा आप मतलब अच्छा खासा आप लोगों को बन जाता है यहाँ पर? मिल जाता है, आधा मिल जाता है, मतलब 2 लाख का माल होगा तो 1 लाख रुपये हमको मिल जाएगा। 1 लाख आप बिक जाता है, माल भी बिक जाता है। तो लगभग कितने लाख का आप बेच देते हैं? 2-2.5 लाख रुपये का बिक जाता है माल हर 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 वर्ष, जिसमें आपको 1 लाख प्रॉफिट? वो तो बिकने का, वो मतलब ग्राहक के ऊपर है, अभी मतलब बिक जाता है हर साल, हमारा मिल जाता है 1 लाख रुपये मिल जाता है, मतलब नुकसान नहीं होता, नुकसान नहीं होता हमारा। माँ का आशीर्वाद भी है, जो माँ का आशीर्वाद से आप लोग, हाँ जी हम इतने दूर से आया, काई नुकसान कर, अच्छा बनाएंगे तो पैसा मिलेगा, अच्छा नहीं बनाएंगे तो थोड़ा ना पैसा मिलेगा जी। अच्छा ये जो बड़ा प्रतिमा है, इसको भी आप सांचे में बनाते हैं? सब सांचे में बनता है, सब सांचे में। सांचा आता कहाँ से? ये बाहर से लाते हैं हम लोग, किराए पर लाते हैं, दिल्ली से, गुजरात से, राजस्थान से आता है, डाई राजस्थान दिल्ली से आता है, वहाँ से आते हैं और यहाँ पे आप डालते हैं? हाँ यहाँ पर डाल के फिर वापस पहुँचा देते हैं उनको। अच्छा ये पेंट जो है आप कितने दिन से कारीगरी करते हैं ये सब? अभी जैसे अभी स्टार्ट हुआ है, 2 दिन से स्टार्ट हुआ था, 1 महीना 15 दिन तक लगभग चलेगा पेंट, और फिर 10 दिन होता है हम फ्री हो जाएंगे। फिर सब मूर्ति 2 दिन पहले 3 दिन पहले कोई दूर दूर के गोपालगंज से आते हैं, बाहर बाहर का आदमी आते हैं, तो 2-3 दिन पहले ले जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली सिवान जिला में, ये गोपालगंज जिला, छपरा, सब जगह जाता है? सब जगह जाता है जी। अच्छा एक बात, बाहर से आदमी आता है? बाहर से भी? हाँ बाहर से आते हैं।
अच्छा एक बात बताइए, साल से तोड़ने बना रहा हूँ, 4 साल हो गए हमको बनाते हुए। आपको काफी नाम है इस जगह पर? हाँ नाम है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो मूर्ति है आप लोग का मतलब यही पेशा है कि और भी कोई काम करते? ये भी करते हैं, और हम वहाँ पुणे जाते हैं, हैदराबाद में पुणे में जाते हैं तो गणपति का मूर्ति बनाते हैं, बड़ा बड़ा वाला गणपति। मतलब यही आप लोग का प्रोफेशनल? यही हमारा जी, मूर्ति का काम है हमारा। आप मूर्ति अच्छा कैसे सीखे हैं आप? बस बाप दादा करते आया जैसा हम भी। आपका पूछते ही नहीं काम? पूछता जी ये काम है, मतलब पूर्वज भी करते हैं? हाँ हमारा भाई वगैरह पापा वगैरह यही काम करते आए तो हम भी यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कि कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा कि जो मेरा ये काम है पुश्तैनी काम है। और सबसे बड़ी मैं बात बता दूं कि ये जो सिवान जिला के तरवारा स्टेट बैंक के पास से उपस्थित है, और इस मूर्ति को देखने के बाद आप भी देखिएगा तो आप भी मनमोहित हो जाइएगा, चूँकि माँ का जो प्रतिमा इन्होंने बनाया है, राजस्थान का कारीगर हैं और इनका नाम भी साहब दुर्गा जी है, दुर्गा राम जी, बिल्कुल जो इनका नाम है दुर्गा राम है। और मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि ये जो मूर्ति बनाए हैं ये बिल्कुल दिल्ली और राजस्थान से सांचा लेकर आए हैं, और काफ़ी एक एक बारीकी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने उस सांचे को में बनाया है, उस सांचे में ढाला है कि आप देखिएगा मूर्ति तो आप भी कहिएगा साक्षात माँ का दर्शन हो रहा है। फिलहाल से बनता है कलर इसी से बनता है, हल्का हल्का सा भी नुक्स नहीं आएगा। ये पैन गन आता है 2500-3000 का एक पीस आता है, ये वाला पैन गन आप हाथ से नहीं बल्कि इसी से? हाँ तो ये पैन गन इससे कलर बहुत टॉप साफ बनता है, कलर भी बहुत अच्छा बनता है, इससे कलर अच्छा बनता है। अच्छा इसमें मान लीजिए मूर्ति बनाने में आपके परिवार के लोग भी साथ देते? हाँ सब साथ देते हैं, लड़की कोई गोल्डन बनाते हैं, कोई छोटा मोटा काम ऊपर का वो भी करते हैं, सब कोई जानता है, सब कोई जानता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो कारीगर हैं दुर्गा राम जी, उनकी ये लड़की है, और इनके घर के सभी लगभग सब लोग मूर्ति के काम में रहता है, और बाल बच्चे सभी लोग एक साथ रहते हैं। और देखिए कि कैसे बच्ची जो है इनकी कितनी बारीकी से ये काम कर रही है, और ये जो माँ का जो बाल होता है उस बाल को कैसे संवार रही है। और ये स्प्रे पेंट जो है आप देख सकते हैं कि कोई भी हाथ से ये लोग काम नहीं करते हैं, बल्कि सब हाथ स्प्रे पेंट से ही काम करते हैं। और देखिए अच्छा बेटी ये बताओ कि तुम कितने दिन से यहाँ काम करती हो? हम लोग 4 साल से काम करते हैं। 4 साल से आप भी मूर्ति बनाती हो? हाँ हम नहीं बनाते। माँ की प्रतिमा को आप भी सजाती हो? हाँ। अच्छा आप लोग तो मूर्ति बहुत अच्छी बनाती हो, इसमें तो कोई सजावट की जरूरत ही नहीं है? नहीं है। एक बार आप लोग दे दीजिए सब कुछ फिर हो गया? हाँ उसको मंडप बनाना पड़ता है, सिर्फ मंडप बनाना पड़ता है, बाकी कोई भी चीज नहीं सजाना? नहीं सजाना पड़ता। बिल्कुल देखिए कि कहीं ना कहीं इनके जो परिवार के लोग भी हैं और बाल बच्चे सब लोग एक साथ मिल करके इस मूर्ति को बनाते हैं। बात बता दूं कि छोटे बच्चे से लेकर जो इनकी एक लड़की है वो भी बनाती है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सवाल है। और ये राजस्थान से आते हैं और राजस्थान से माँ को प्रतिमा को बनाते हैं, और मूल जो मूल है सही रूप मूल है उसी मूल पर इन सब लोगों को देते हैं। और इनका जो कीमत है सबसे कम कीमत का 1500 से लेकर के 10000 तक का मूर्ति मिलता है। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि ये मूर्ति सिवान जिला के तरवारा स्टेट बैंक के पास मिलता है, एक बार जरूर इनसे आइए और देखिए इनके मूर्ति को, और आप लोगों को लेना होगा, आप लोगों को पूजा तो करना ही होगा, तो ऐसी मूर्ति शायद ही सिवान जिले में कहीं नहीं मिलेगी। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए A24 न्यूज़। धन्यवाद।